हेलो फ्रेंड्स आप सभी का पीएसआर यूट्यूब चैनल में स्वागत है देखिए फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम सिमिलैरिटीज चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में फोर मार्क्स के लिए पूछा जाता है और यह क्वेश्चन जुलाई 2022 इस स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे देखिए क्वेश्चन है ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल पी आर आर इक्विलेट्रल ट्राइंगल्स विथ एल्टीट्यूड्स टू रूट थ्री And 4 under root 3 respectively, then find the length of side AB and side PQ, find area of triangle ABC upon area of triangle PQR, find the ratio of perimeter of triangle ABC to the perimeter of triangle PQR. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो फिगर ड्रा कर रखे हैं, दो त्रिभुज। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये इक्विलेटरल त्रिभुज दिए हैं। साथ में इनका जो एल्टीट्यूड है एल्टीट्यूड मतलब जिसे हम मराठी में कहते हैं शिरोलंबा वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड तो यहाँ पे मैंने एल्टीट्यूड ए एम कंसिडर किया है साथ में यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड पी एन लिया है अब इस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है उसका लेंथ हमें टू अंडर रूट थ्री दिया है और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल पी क्यू आर का एल्टीट्यूड हमें प्रोवाइड किया है फोर अंडर रूट थ्री अगर ऐसा है तो ये सभी बातें यहाँ पे हमें, ये सभी जो है क्वेश्चंस इनके आंसर यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं लुकियर देखिए फ्रेंड्स हमें पता है ऑलवेज टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के एंगल रहते हैं सिक्सटी डिग्री के ईच एंगल इज ऑफ सिक्सटी डिग्री आप कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर कंसिडर करते हो तो हर समय उन इक्विलैटरल ट्राइंगल के एंगल हमें सिक्सटी डिग्री मिलेंगे तो बाय ए ए टेस्ट उन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं तो इस प्रकार से ये ट्राइंगल ए बी सी हम ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ सिमिलर कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हमारे पास एल्टीट्यूड है देखिए मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूं अब इस ट्राइंगल ए एम बी के बारे में अगर हमने सोचा तो इन ट्राइंगल ए एम बी ध्यान दीजिए ट्राइंगल ए एम बी में एंगल बी जो है 60 डिग्री का है बिकॉज इक्विलेट्रल ट्राइंगल का एंगल है वो तो अगर मैं यहां पे साइन ऑफ 60 डिग्री लेता हूं तो मुझे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस लेते आएगा साइन का डेफिनेशन तो ये हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स ए एम अपॉन ए बी है ना इस प्रकार से साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू रहता है अंडर रूट थ्री अपॉन टू सपोज मुझे अब यहां पे ए बी फाइन करना है तो मैं ए एम अपॉन ए बी इसे मुझे ए बी फाइन करना है ए एम मुझे दिया है सपोज और ए बी मुझे फाइंड करना है तो इस ए बी को मैं ट्रांसफर करूंगा ये साइड में ए बी इन टू अब मेरे पास क्या रहेगा अंडर रूट थ्री और इस टू को ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा ए एम इन टू टू ए बी को मैंने इधर ट्रांसफर किया ध्यान दीजिए ओके और टू को मैंने उधर ट्रांसफर किया तो देखिए फ्रेंड्स ए बी इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा ए एम इन टू टू अपॉन अंडर रूट थ्री तो ये रिलेशन रहता है ए बी क्या है ट्राइंगल का इक्विलेट्रल ट्राइंगल का साइड है ए एम इसका एल्टीट्यूड है तो ये रिलेशन रहता है एल्टीट्यूड और साइड में इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ठीक है ना अब देखिए यहां पे सपोज हम कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ओके यहां पे हम कंसीडर करते हैं ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर यहां हम कंसीडर करेंगे पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर तो इसे कह सकते हैं हम एल्टीट्यूड फोर हम कंसिडर करेंगे ए एम इक्वल्स टू टू अंडर रूट थ्री एंड पी एन इक्वल्स टू फोर अंडर रूट थ्री ओके हमें पता है साइड ऑफ इक्वी लेट्रल ट्राइंगल साइड ऑफ इक्वीलेट्रल ट्राइंगल इक्वल्स टू जस्ट मैंने आपको बताया हम क्या कंसिडर कर सकते हैं एल्टीट्यूड ध्यान दीजिए इंटू टू अपॉन रूट थ्री इस प्रकार से तो यहाँ का जो साइड ए बी है ना ए बी इक्वल्स टू हम कंसिडर कर सकते हैं टू अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू एम या फिर ए एम इंटू टू अपॉन अंडर रूट थ्री और उसी प्रकार से हम पी क्यू इक्वल्स टू ध्यान दीजिए पी क्यू इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं हम टू अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू एल्टीट्यूड मतलब पी एन ओके okay, तो देखिए फ्रेंड्स ए बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा टू अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू वोट इज ए एम एम हमारे पास टू अंडर रूट थ्री है एंड पी क्यू इक्वल्स टू टू अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू पी एन देखिए पीएन है फोर अंडर रूट थ्री तो ये रूट थ्री रूट थ्री यहां का रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल होगा अब ए बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा फोर और पी क्यू इक्वल्स टू रहेगा टू फोर जा एट तो ये सब क्वेश्चन ए का आंसर हमें मिला है हमें क्या क्या फाइंड करना था साइड ए बी करना था ये हमें फोर मिला है उसी प्रकार से साइड पी क्यू करना था इसका वैल्यू यहां पे हमें एट मिला है ओके फिर इसके बाद में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फ्रेंड्स हमें पता है टू सिमिलर ट्राइंग टू इक्वीलैट्रल ट्राइंगल्स ध्यान दीजिए टू इक्वीलैटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर आर ऑलवेज सिमिलर दो इक्वीलेट्रल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर रहते हैं तो इसका मतलब देअ फोर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड देयर फोर एरिया ऑफ़ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हम ले सकते हैं साइड का स्क्वायर ठीक है ना इसका साइड ए बी लेंगे तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं ए बी स्क्वा पी क्यू स्क्वायर ये क्या है थे थेरम ऑफ रेशोज ऑफ थेरम ऑफ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स या फिर थेरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थेरम ऑफ रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल या फिर थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ऐसा भी ले सकते हैं ठीक है अगर इस थेरम को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ऐसा लिखा तो भी चलेगा अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ओके तो इसे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं ए बी स्क्वायेर अपॉन पी क्यू स्क्वायेर ए बी स्क्वायर मतलब ये यह यहाँ पर मैं सिक्सटीन लेता हूँ और पी क्यू स्क्वायेयर मतलब यहाँ पर सिक्सटी फोर लेते आएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर और ये आंसर हमें मिलेगा सिक्सटीन वनजा सिक्सटीन फोर जा सिक्स फोर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू रहेगा वन अपॉन फोर ठीक है अब इसको मैं रब कर देता हूं आपको समझने के लिए मैंने यहां पे कंसिडर किया था अब देखिए फ्रेंड्स हमें सी में क्या फाइंड करना है ओके okay? तो यहां पे हम कंसिडर यहां पे हमें फाइंड करना है फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू देरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन हमें क्या फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर मतलब थ्री इंटू साइड है ना थ्री इंटू साइड अपॉन थ्री इंटू साइड पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम और तीनों साइड कॉन्जेंट रहते हैं तो थ्री इंटू साइड अब यह थ्री थ्री के साथ तो कैंसिल हो जाएगा साइड अपॉन साइड इसका साइड फोर है और इसका साइड एट है तो ये फोर अपॉन एट मतलब फोर वन जा फोर फोर टू जा एट तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्या फाइंड करना था द रेशो ऑफ द आर फोर हम यहाँ पे लिखेंगे द रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू रेशो ऑफ ओके पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज ये रेशो रहेगा वन इंस टू टू एरिया का जो रेशो है ये हमें मिला है वन इंस टू फोर वन अपन फोर और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये रहेगा हमारे पास वन इंस टू टू ठीक है तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए देखिए फ्रेंड्स मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इन वीडियोस को पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए वीडियो के बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो